ये हम राधा रमन से खेल के आए हैं और हमारे होटल है स्कॉन के पास ही है रुके हैं। स्कॉन से लेके राधा रमन जाने तक में हमारी ये हालत थी और आज तो मतलब हैप्पी होली, मजा आ गया। हरी बोल। ये देखिए, ये होली खेल के आए हैं आज राधा रमन और पूरी गलियां स्कॉन से लेके राधा रमन तक। और अभी हम आ गए केशी का, तो ये हालत देखिए हमारे लल्ला की क्या हो के रुक गई। हरी बोल। सबने होली खेल ली थी मेरे लाला के साथ सिवाय मेरे, आप बिलीव कर सकते हो, क्योंकि मैं ही उनको बास्केट में लेके इधर उधर इतना घूम रही थी कि मुझे खेलने का टाइम नहीं मिला। हम तीनों ने बहुत भयंकर वाली होली खेली है, मैं सच में आपको बता रही हूँ कि मैं क्या बोलूँ। पूरा एकदम कलर, पानी, हर तरीके के। अगर आपने इससे पहले के व्लॉग नहीं देखे ना मेरे होली के, तो प्लीज़ देखिएगा, आप खूब इंजॉय करेंगे। ये थर्ड या फोर्थ पार्ट है सोचो। फिर मैंने फाइनली अपने लल्ला के साथ होली भी खेली। इससे पहले मैंने इनको थोड़ा सा पानी और जूस वगैरह पिला के मतलब थोड़ा सा भूख लगा दिया, क्योंकि गर्मी का टाइम भी था और बेचारे मेरे साथ धूप में यहाँ वहाँ घूम रहे थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे जैसे हम घूमे हमारे लल्ला बेचारे इतने प्यारे हैं, वो भी हमारे साथ वैसे ही घूमे हैं। और आपने उनकी कंडीशन देखी होगी, मुझसे ज़्यादा ख़राब तरीके से बेचारे, उनको होली खिलाया है लोगों ने पकड़ पकड़ के। और फिर हम आ गए ये केशी घाट पे, देखिए पीछे बोर्ड लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर झूला है यहाँ पे। फिर हम थोड़ी देर यहाँ पे हमारे लाला के साथ झूला भी झूले, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत थक गए थे। और मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब हम इतना ज़्यादा चले हैं कि ऑटो में जब हम शुरू में बैठे थे हमारे ऊपर इतना कलर फेंका। हरी बोल। तो ये हम राधा रमन से होली खेल के आ गए हैं केशी घाट। और ये देखिए मेरा पागलपन, बेचारे मेरे दोनों लल्ला इतना ज़्यादा झेलते हैं कि मैं क्या ही बताऊं। और देखिए इन दोनों की हालत कैसी हो गई। राधा रमन में होली तो खेली, बच्चों के साथ भी इतनी सारी होली खेली है कि पूछो मत। फिर हम केशी घाट पर आए हैं, देख रहे कितने सारे बोट और बहुत सुंदर माहौल था यहाँ का। फिर हमने यहाँ पर तुलसी, मतलब हमारी जो माला है उसका, उनका स्नान करवाया। लल्ला के ऊपर थोड़ा पानी छिड़का था, हमने अपने ऊपर भी पानी छिड़का, क्योंकि हम स्नान नहीं कर सकते थे तो हमने ये सब किया। फिर हम, आप देख रहे हैं यहाँ पे पीछे कलर कितने ज़्यादा हैं, हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया यहाँ पे। थोड़ा कलर वलर भी साफ़ कर दे, क्योंकि हम इतने ज़्यादा ख़राब लग रहे थे कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और मैं आपको यमुना घाट का आपको बता दूँ कि यमुना घाट का तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा महत्व है हमारे शास्त्र में। और सबसे बड़ी चीज़ में अगर आप स्नान कर लेते हैं ना, मैं आपको बताऊं आपके इतने ज़्यादा पाप धुल जाते हैं कि क्या ही बताया जाए। और हम जितने भी कृष्ण भक्त हैं उनके लिए तो हमारी यमुना मैया एकदम सर्वश्रेष्ठ हैं। और इसीलिए आप देखिएगा जब भी कोई वृंदावन आता है तो केशी घाट पे ज़रूर आता है। और बहुत ही सुंदर है, आप जैसे ही एंट्री करेंगे वहाँ पे आपको देखो यमुना माता जी का मंदिर भी आपको एंट्री करते ही मिलेगा। देखिए कितने सुंदर लग रही हैं। और ये देखिए हमारे दोनों लल्ला कितने प्यार से देख रहे हैं। हम जब इनको ऐसे दिखा रहे थे तो वहाँ से पंडित जी बोलते हैं, अरे नयन से नयन मिलने दीजिए थोड़ा। जय जय श्री राधे श्याम हरि बोल। क्योंकि नेक्स्ट डे होली थी, तो देखिए हमने हमारे लल्ला के लिए गुजिया लिया और हमारे लल्ला को खाना था ये चीज़ भी, तो मैंने कि ठीक है चलो ले लेते। तो फिर हमने ये दोनों पार्सल करवा लिया हमारे लल्ला के लिए, क्योंकि नेक्स्ट डे होली थी। और ये देखिए पूरा होलिका दहन की इन लोगों ने पूरी तैयारी करके रखी है, पूरे ब्रज में ही आपको देखने को मिलता। बहुत मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया था, सच कह रही हूँ मैं, कितना सुंदर लग रहा था। फिर हम वहाँ से केशी घाट से पहुँचे ये ब्रिजवासी रेस्टोरेंट में। ये मतलब बहुत फेमस रेस्टोरेंट है, आपको बाकी बिहारी के आगे मिलेगा, आप किसी से पूछेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमने यहाँ पे बैठ के बढ़िया सा खाना खाया। मैं आपको बता रहा हूँ मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, हम लोग सिर्फ पानी पिए, तो लल्ला का जो भोग लगाया था वही प्रसाद लेके हम निकल गए थे। और मुझे देखो मुझे लगा कहीं हमको एंट्री नहीं देंगे, लेकिन दिया। फिर हमने डोसा खाया, हमने सोयाबीन का चाप भी खाया, फिर वो आलू के जो थे हनी पोटैटो चिप्स था वो खाया। फिर जाके थोड़ी जान में जान आई हमारे, हम लगे चलो भैया अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। फिर ये खा पी के हम वापस अपने घर पे गए, थोड़ी देर रिलैक्स किए, कपड़े वगैरह चेंज करके। और अब ये देखिए ये रात का टाइम है, एक बज रहा है कुछ 7 या 7:30, और ये परिस्थिति हमने चेंज कर लिया। लेकिन आप देख लोगे कलर मेरा कहीं से नहीं, क्राउड शाम के 7:30 बज रहे हैं, ये पब्लिक अभी जा रही है, इतनी पब्लिक स्पॉन के अंदर होगी, कहीं बिलीव इट।